अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस मूवी के शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जो कि हैलोवीन की पार्टी के लिए सजाया जा रहा होता है। दरअसल हैलोवीन बाहर के देशों का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। वहीं हम एक घर में सैरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए डर पर एक ऐसे लिखना चाहती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो ऐसे में क्या लिखे। और तभी अचानक से उसके घर पर कुछ आहट होती है जिससे वो बुरी तरह से डर जाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड टायलर है, तब वो थोड़ी राहत की सांस लेती है, जिसके बाद वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सैरा के रूम में उसकी माँ कहती और उसका भाई सोनी भी आ जाता है, जिन्हें देखकर टायलर वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। अब अगले दिन हम सैरा के भाई सोनी को देखते हैं जो टेस्ला टावर के एक मिनी साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। वो किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा था, और अब इसी दौरान सैरा के घर पर उसके पड़ोसी आते हैं जो लोग छुट्टी पर जा रहे होते हैं। इस वजह से वो अपने बेटे सैम को सैरा के घर पे ही छोड़कर चले जाते हैं। अब स्कूल जाने से पहले वो सब एक मॉल जाते हैं जहाँ पर सैरा की माँ कैथी से सैम और सोनी की देखभाल करने के लिए कहती है, क्योंकि आज उन्हें डबल शिफ्ट में काम करना था। अब सैरा इस काम को करना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए 2 दिन के अंदर में ही ऐसे को सबमिट करना था। लेकिन जब उसकी माँ कहती है कि अगर उसने डबल शिफ्ट में काम नहीं किया तब उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए अब उनकी इस बात को सुनकर सैरा अपनी भाई सोनी और उसके दोस्त सैम की देखभाल करने के लिए मान जाती है। वहीं अब स्कूल पहुँचने के बाद सैम स्कूल के एक नोटिस बोर्ड पर एक जंग ब्रोस नाम का एक पोस्टर लगा देता है। दरअसल उसने कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके एक बिजनेस शुरू किया था, जिसका विज्ञापन वो हर तरफ पोस्टर पर लगा रहा होता है। अब इसी दौरान वहाँ पर उसके कुछ क्लासमेट्स आते हैं जो उन दोनों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाती है जिससे वो सब बच जाते हैं। वहीं स्कूल की लाइब्रेरी में सैरा की मुलाकात टायलर से होती है, और यहाँ पर टायलर उसे रात में एक क्लब में पार्टी करने का इनविटेशन देता है, लेकिन सैरा को अपने भाई का देखभाल करना था इस वजह से वो मना कर देती है। जिसके बाद अब स्कूल से वापस घर आने के बाद सोनी और सैम दोनों मिलकर हैलोवीन की तैयारी करने लग जाते हैं, और तभी जंग ब्रॉस का पोस्टर लगने की वजह से सैम को एक कॉल आता है जिसमें एक लेडी सैम को कबाड़ उठाने के लिए एक जगह का एड्रेस देती है। इस वजह से सैम बहुत खुश हो जाता है, और फिर वो कबाड़ इकट्ठा करने के लिए अपने दोस्त सोनी को लेकर उस लेडी के बताए हुए पते पर पहुँच जाता है। अब यहाँ पर वो एक बहुत ही पुराना घर को देखता है जो बिल्कुल ही एक खंडर की तरह होता है। दरअसल ये घर आरएल स्टाइन नाम के एक लेखक का होता है जो भूत प्रेत की कहानी लिखा करता था, लेकिन उस घर पर 24 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से वहाँ पर कोई नहीं जाता था। लेकिन कबाड़ के लालच में सैम और सोनी दोनों उस घर में घुस जाते हैं। अब यहाँ पर उन्हें विचित्र प्रकार की चीजें दिखाई देते हैं जिसे देखकर वो सब बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों हिम्मत करके वहाँ पड़े कबाड़ को उठाने लगते हैं। अब इसी दौरान सोनी जैसी एक बिल्ली की मूर्ति को जोर लगाकर उठाने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से बिल्ली की मूर्ति उखड़ जाती है, जिसकी वजह से एक सीक्रेट चेंबर खुल जाता है, जो देखकर दोनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन दोनों ने कोई खजाना ढूंढ लिया है। लेकिन जब वो सीक्रेट चेंबर में पड़ी बॉक्स को खोलते हैं तब उन्हें वहाँ पर केवल एक किताब मिलती है, इसलिए वो दोनों बॉक्स में पड़ी एक चाबी की मदद से उस किताब को खोलते हैं, लेकिन उस किताब पर कोई टाइटल ना देखकर वो किताब को बंद करके बॉक्स में ही रख देते हैं। पर तभी अचानक से उन्हें बॉक्स में एक पपेट यानी कि एक कठपुतली दिखाई देती है जो बॉक्स को खोलते समय वहाँ पर नहीं था। अब उस पपेट को देखकर वो दोनों थोड़े हैरान हो जाते हैं, और यहाँ पर सोनी पपेट के पॉकेट में एक नोट देखता है जिसमें उस पपेट का नाम स्लैपी लिखा हुआ होता है। वहीं उस नोट के दूसरी साइड एक मंत्र लिखा होता है जिसे सोनी पढ़ देता है। दरअसल ये मंत्र निर्जीव वस्तुओं में जान डालने वाला मंत्र होता है, लेकिन उन दोनों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, जिसके बाद अब वो दोनों स्लैपी और कुछ और कबाड़ को अपनी गाड़ी में रखकर वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सोनी और सैम के कुछ क्लासमेट्स आ जाते हैं, और वो सब सोनी और सैम को फिर से परेशान करने लगते हैं।
अब यहाँ पर वो सब उन दोनों से स्टाइन वाली किताब छीन लेते हैं। वहीं हम स्लैपी को देखते हैं जो मंत्र की वजह से जिंदा हो गया होता है। और अब जब वो उन लड़कों को सोनी और सैम को परेशान करता हुआ देखता है, तब वो जादू से एक लड़के का पैंट नीचे गिरा देता है। और फिर जब वो लड़के उन दोनों का पीछा करते हैं, तब स्लैपी उन लड़कों को अपने जादू से साइकिल से नीचे गिरा देता है। जो देखकर ये दोनों बहुत ही हैरान होते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। जिसके बाद वो दोनों घर आकर सैरा से इस घटना के बारे में बताते हैं, लेकिन सैरा उनकी बातों को सुनने में थोड़ी भी इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि वो अपने ऐसे को पूरा करना चाहती है। अब रात होने पर सैरा अपने ऐसे को लिखते लिखते ऊब जाती है, जिस वजह से वो भी पार्टी के लिए निकल जाती है। लेकिन जब वो पार्टी में पहुंचती है, तब वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड टायलर किसी और ही लड़की के साथ में होता है। जो देखकर सैरा बहुत ही गुस्सा होती है और फिर अपने घर की ओर लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब सोनी अपने घर में होता है कि तभी अचानक से उसे स्लैपी की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन सोनी को लगता है कि सैम उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। पर जब वो सैम को बाहर से अंदर आता हुआ देखता है, तब वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब उन दोनों को ये पता चल जाता है कि स्लैपी कोई आम पपेट नहीं है, बल्कि वो एक जादुई गुड्डा है। और स्लैपी ने ही उन दोनों को उसके क्लासमेट से बचाया था। अब ये जानने के बाद वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। वहीं अब स्लैपी अपने जादू से उनके सारे काम भी कर देता है। लेकिन वो उन दोनों से कहता है कि उसके जादुई पपेट होने की बात वो किसी को भी ना बताए। जिसके बाद अब जब सैरा वहाँ पर आती है, तब स्लैपी को टायलर के धोखा देने वाली बात पता चल जाती है। अब क्योंकि वो इन सबको अपने परिवार की तरह मान रहा होता है, इस वजह से वो टायलर को सबक सिखाने के लिए सोचता है। जिसके बाद अब रात में स्लैपी पहले सोनी के टेस्ला मॉडल वाले प्रोजेक्ट को सही करता है और फिर वो सैरा के बैग में छिप जाता है। अब अगले दिन सैरा जब स्कूल आती है, तब वो स्लैपी को अपने बैग में देख कर हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो स्लैपी को अपने लॉकर में रख देती है। वहीं टायलर भी सैरा से बात करने के लिए आता है, लेकिन सैरा उससे बात नहीं करती, जिससे स्लैपी समझ जाता है कि सैरा को धोखा देने वाला यही है। जिसके बाद स्लैपी अपने जादू से टायलर को एक ऊंची सीढ़ी से नीचे गिरा देता है, जिससे टायलर को बहुत ही चोट लग जाती है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने से पहले बार बार कह रहा होता है कि उसे एक पपेट नहीं गिराया था। अब जब सैरा इस बात को सुनती है, तब वो तुरंत ही दौड़कर अपने लॉकर के पास आती है, लेकिन उसे वहाँ पर स्लैपी नहीं मिलता, जो देखकर वो समझ जाती कि टायलर सच कह रहा था। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने भाई से मिलने के लिए जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सैरा के भाई सोनी को देखते हैं, जो स्कूल में अपने टेस्ला प्रोजेक्ट का डेमो दिखा रहा होता है। अब उसके प्रोजेक्ट के डेमो को देखकर सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसका प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर को खींचने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में स्कूल की बहुत हामी होती है, जो देखकर बेचारा सोनी भी बहुत ही हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब सैरा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अब वो यहाँ पर सैम और सोनी से स्लैपी की सच्चाई के बारे में पूछती है, जिस पर वो दोनों सब कुछ सच बता देते हैं। अब यहाँ पर सोनी सैरा से कहता है कि जब तुम टायलर के बारे में बता रही थी, तब स्लैपी भी हमारे पास में ही था, उसने तुम्हारी बात को सुन लिया था, इस वजह से उसने टायलर को सबक सिखाया होगा। जिस पर सैरा कहती कि उसने तो मॉम की भी शिकायत की थी, इसका मतलब अब वो मॉम के पास गया होगा, इसलिए अब वो सब तुरंत ही घर पर आ जाते हैं। और यहाँ पर वो स्लैपी को उसकी माँ कहती के गोद में देखते हैं, जो देखकर वो बहुत ही डर जाते हैं। और फिर वो सब कैथी को बता देते हैं कि वो कोई आम पपेट नहीं बल्कि एक जादुई पपेट है, लेकिन उसकी माँ उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती। वहीं कैथी को सोनी के स्कूल में धमाका वाली बात पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो उन सबको हेलोवीन पार्टी में जाने से मना कर देती है और फिर खुद अपने काम पर निकल जाती है। वहीं कैथी के काम पर जाने के बाद स्लैपी उन सब से बहुत ही नाराज़ हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ, इसलिए अब इस घर में मैं जो कहूँगा वही होगा। अब उसकी इस धमकी को सुनकर सब लोग काफ़ी डर जाते हैं और तभी सारा अचानक से स्लैपी पर एक बैट से हमला करके बेहोश कर देती है और फिर वो सब स्लैपी को एक बॉक्स में भरकर एक नदी में फेंक देते हैं।
लेकिन वापस आते समय अचानक से स्लैपी फिर से उनकी कार पर हमला कर देता है, जो देखकर वो सब बहुत ही डर जाते हैं। जिस दौरान उनकी कार एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है, जिससे स्लैपी एक गहरी खाई में गिर जाता है, जो देखकर वो सब और भी डर जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए होते कि यह अब स्लैपी उन सबको नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वो तुरंत ही घर पर आकर अपने कंप्यूटर से स्लैपी के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि स्लैपी को बनाने वाला आरएल स्टाइल नाम का एक लेखक है, जो डरावनी कहानियां लिखता है। वहीं स्लैपी एक बहुत ही खतरनाक पपेट है, और वो हैलोवीन में बनाई गई चीजों में जान डालकर अपनी परिवार बनाना चाहता है। अब ये जानने के बाद वो सब और भी डर जाते हैं, और अब उस लेक में उन्हें आरएल स्टाइन का एक कॉन्टैक्ट भी मिल जाता है, जिसके जरिए वो उन्हें यहाँ की सिचुएशंस की वॉइस नोट्स भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम स्लैपी को देखते हैं, जो एक मॉल में जाकर वहाँ पर रखे हुए खिलौनों को मंत्र पढ़कर उन्हें जिंदा कर देता है, और फिर वो उस मॉल के मालिक वॉल्टर को भी एक अजीब से क्रीचर में बदल देता है, जिसके बाद वो टेस्ला टावर जाता है और फिर उसे चालू करके उसके जरिए वो सभी निर्जीव चीजों को जीवित करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ स्लैपी को रोकने के लिए वो तीनों स्टाइन की किताब को लेने के लिए टॉम के घर पर जाते हैं, जो वही लड़का होता है जिसने सोनी से आरएल स्टाइन वाली किताब को छीन लिया था। अब उसके घर पर काफी ढूंढने के बाद उन्हें वो किताब मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से उन पर कैंडी टॉफी हमला कर देते हैं। दरअसल स्लैपी ने टेस्ला टावर की मदद से सभी निर्जीव वस्तुओं में जान डालना शुरू कर दिया होता है, जिसकी वजह से पूरे शहर में चारों तरफ वस्तुएं जिंदा होने लगी हैं, और इसी कारण से पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। वहीं अब सैम और सोनी किसी तरह से उन कैंडीज का सामना करते हैं, और उसी लड़ाई के दौरान अचानक से सोनी के हाथ से स्टाइन की किताब नीचे गिरकर खुल जाती है, और इस किताब के खुलते ही सभी कैंडी टॉफी वाले मॉन्स्टर्स अपने आप ही उस किताब के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही सहरा के पास जाते हैं और उन्हें किताब की शक्ति के बारे में बताते हैं, जिसके बाद वो तीनों कैथी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं स्टाइन भी अब शहर में आ गए होते हैं, जो इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर समझ जाते हैं कि स्लैपी जिंदा हो गया है और वो फिर से अपनी परिवार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद वो भी स्लैपी को रोकने के लिए वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों कैथी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर आकर सहरा से किताब को ले लेता है। दूसरी तरफ एक मकड़ी जैसा मॉन्स्टर कैथी को लेकर टेस्ला टावर की ओर निकल जाता है, क्योंकि वो किताब और कैथी को लाने के लिए स्लैपी ने उन मॉन्स्टर को भेजा था, जिसके बाद अब कैथी को बचाने के लिए और स्लैपी को रोकने के लिए वो तीनों मॉन्स्टर जैसे ही भेष बदलकर टेस्ला टावर में घुस जाते हैं। अब यहाँ पर वो देखते हैं कि स्लैपी ने उनकी माँ को एक पपेट के जैसा ही बना दिया है, जो देखकर सैरा सैम और सोनी से कहती है कि तुम लोग किसी तरह से इस टावर को बंद करो और मैं स्लैपी को रोकने की कोशिश करती हूँ। जिसके बाद अब सैरा स्लैपी से लड़ाई करने लगती है, और फिर वो किसी तरह से स्लैपी को अपनी बातों में उलझाकर उसे इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर ही फेंक देती है, जिससे उसे बहुत तेज का करंट लगने लगता है, जिसके बाद सैरा वहीं पड़े किताब की मदद से सारे मॉन्स्टर्स को किताब के अंदर डालने लगती है। इधर दूसरी तरफ टेस्ला टावर को बंद करने के लिए सैम और सोनी टावर को पूरा ही ऑन कर देते हैं, जिससे टावर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टावर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और टावर बंद हो जाता है, और टावर के बंद होते ही निर्जीव वस्तुओं में जान आनी बंद हो जाती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में जिंदा हुए सभी निर्जीव वस्तुएं किताब के अंदर चली जाती हैं। और इस तरह से सैरा सैम और सोनी लोगों को स्लैपी के आतंक से बचा लेते हैं, जिसके बाद वहाँ पर स्टाइन भी आ जाते हैं, जो उस शहर को बचाने के लिए उन बच्चों का धन्यवाद करते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सोनी अपने टेस्ला प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाता है और उसे स्कूल में सम्मानित भी किया जाता है। वहीं स्टाइन के सुझाव के बाद सैरा जब अपने ऐसे को लिखती है, तब उसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। दूसरी तरफ स्टाइन भी अपने इस हैलोवीन किताब को लिखने में कामयाब हो जाता है, पर तभी उसे वहां पर स्लैपी दिखाई देता है, जो जिंदा देखकर स्टाइन बहुत ही डर जाता है। अब यहां पर स्लैपी कहता है कि मैं तुम्हारी किताब का हमेशा से हीरो हूँ और इसी वजह से मैं बच जाता हूँ,
लेकिन इस बार मैंने भी एक किताब लिखी है और उसकी हीरो तुम हो। और ये कहकर स्लैपी उस किताब को जैसे ही खोलता है, स्टाइन तुरंत ही उस किताब के अंदर चला जाता है और फिर यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। यानी कि अभी तक स्लैपी का आतंक समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो एक बार फिर से हैलोवीन के समय में अपना परिवार बनाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन देखना ये कि वो तीनों स्लैपी को फिर से कैसे रोकते हैं, क्योंकि अब उनके पास वो किताब ही नहीं है। और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो आपसे एक बहुत ही छोटी सी विनंती है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप जब मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तभी मैं अपने चैनल को मेंटेन कर पाता हूँ, वरना बिना आपके लाइक के मेरा चैनल नहीं चल पाएगा। इसलिए जिसने भी लाइक कर दिया है उन्हें बहुत बड़ा धन्यवाद, और जिसने भी नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक के बटन को ज़रूर दबाइएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।